डियर स्टूडेंट, अब तक हमने बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल किए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। आज हम डिविजिबिलिटी रूल करेंगे 7 का। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर हमने कोई नंबर मान लीजिए सपोज किया 6, 6, 5, सबसे पहले ये 7 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको इसके वंस प्लेस को, इसका वंस प्लेस को 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपको मिलेगा 10, और 10 को इसमें से आप माइनस कर देंगे बचे हुए नंबर में से, तो आपके आएगा 56। क्या 56 7 से डिविजिबल है? हाँ जी, 56 जो है 7 का मल्टीपल है। अगर यहाँ पे 0, 56 की जगह पे अगर यहाँ पे 0 बचता है या फिर यहाँ पे 7 का मल्टीपल बचता है तो हम कहेंगे कि ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। चलिए एक नंबर लेते हैं 231, ठीक है। इसको रूल क्या है, वंस प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई, यू विल गेट 2, और जो बचे हुए नंबर हैं उसमें से 2 को माइनस कर देंगे 21। क्या 21 7 से डिविजिबल है? यस, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है। और नेक्स्ट करते हैं, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और आप बहुत सारे एग्जांपल के फिर इसके बाद प्रैक्टिस करके देखिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं 707। इसका वंस प्लेस क्या है? 7 है। 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे, 2 से, 7 2 14, और रिमेनिंग पार्ट जो 70 बचा है उसमें से इसको माइनस करेंगे, यू विल गेट 56। क्या 56 7 के टेबल में आता है या 7 का मल्टीपल है? यस, ये 7 का मल्टीपल है, तो 707 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। थैंक यू।